ionic bond. The elements of group 1 and group 2 being metals have the tendency to lose their valence electron forming positively charged ions. आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की ज़रूरत होती है, तो ग्रुप वन और ग्रुप टू के मेंबर्स जो हैं वो मेटल्स हैं, और मेटल्स में ये सलाहियत होती है कि अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें और पॉजिटिवली चार्ज आयंस यानी एन आयंस बनाते हैं. वेयर एज नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 15 टू ग्रुप 17 हैव द टेंडेंसी टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. और ग्रुप 15 टू 17 जो है वो नॉन मेटल्स के ग्रुप हैं, और नॉन मेटल्स में सलाहियत होती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करे या इलेक्ट्रॉन को हासिल करे, और जब जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन को हासिल करती है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होती है. सो नॉन मेटल दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. नॉन मेटल्स जो हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और उनकी इलेक्ट्रॉन इफिनिटी बहुत ग्रेटर है. इलेक्ट्रॉन इफिनिटी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. इस बात का मतलब है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स में दाखिल किया जाता है तो एनर्जी की ग्रेटर क्वांटिटी रिलीज होती है. इफ़ एटम्स बिलोंगिंग टू दीज टू डिफरेंट ग्रुप्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर अलाउड टू रिएक्ट केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म. जब मेटल्स और नॉन मेटल दोनों को ये इजाज़त मिल जाती है कि वो मिलके रिएक्ट करें यानी केमिकली कंबाइन करें, तो वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं. मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीशीज के दरमियान बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड. तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं आयनिक बॉन्ड की क्या है. दिस टाइप ऑफ अ केमिकल बॉन्ड, दिस टाइप से मुराद क्या है? आयनिक बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड. वो केमिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की मुकम्मल तबादला एक एटम से दूसरे एटम तक पहुँच कर करता है, इसके नतीजे में क्या बन जाता है? आयनिक बॉन्ड. यानी आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन को किसी एक एटम से मुकम्मल तौर पे निकाल कर किसी दूसरे एटम में दाखिल कर दिया जाए. तो आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड. दिस टाइप से मुराद है आयनिक बॉन्ड. सोडियम सॉलिड रिएक्ट विद क्लोरीन गैशियस एंड एज अ रिजल्ट सोडियम क्लोराइड सॉल्ट इन अ सॉलिड स्टेट दैट इज बीइंग फॉर्म. अब हम देखते हैं कि सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड कैसे बनाते हैं. सोडियम क्लोराइड इज अ सिंपल कंपाउंड. सोडियम क्लोराइड एक सिंपल सा कंपाउंड है जो आयनिक बॉन्डिंग की वजह से बनता है, और बनता किसके दरमियान है? फॉर्म्ड फ्रॉम सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11 एंड क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17. द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, और लोअर एनर्जी स्टेट में एटम जो है ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज शोन बिलो. कौन से दो एलिमेंट्स? सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. और ये जो आपको फ्रेम नज़र आ रहा है ये वैलेंस शेल को इंडिकेट करता है, और सोडियम के वैलेंस शेल को में मौजूद इलेक्ट्रॉन को हम डॉट की सूरत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3s2 और 3p5 का जो फ्रेम है ये वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन को इंडिकेट करता है. आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल ऑफ क्लोरीन में क्रॉस की सूरत में रिप्रेजेंट किया गया है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. द फ्रेम इंडिकेट इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एलिमेंट. ये जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि फ्रेम जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है. सोडियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन. ये भी हम देख चुके हैं कि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सोडियम चूँकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है इसलिए ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैज़ अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. एंड क्लोरीन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
एलिमेंट हैज़ द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन. सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन करती है. देयरफॉर दे फॉर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बाय लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली. इट मीन्स सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, पॉजिटिव आयन बनाता है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बना देता है. एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन रिजेंबल्स विद द नियरेस्ट नोबल गैस. सोडियम के वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन है. जब सोडियम अपना वन इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो कॉन्फिग्रेशन बिकम 1s2, 2s2, 2p6. तो 1s2, 2s2, 2p6 नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है जो सोडियम ने हासिल की है बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन. अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया है, इलेक्ट्रॉन जो है इसे क्लोरीन पिक कर लेता है. इस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन पिक करेगा जिसे सोडियम ने लूज किया है. अब आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से क्लोरीन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्रॉसेस, और जो 8th इलेक्ट्रॉन सोडियम से हासिल किया गया वो डॉट की सूरत में, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और इसे अब हम क्या कहते हैं, क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और ये नोबल गैस आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है. बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, सोडियम बिकम्स Na पॉजिटिवली चार्ज आयन, एंड इट इज़ लेफ्ट विद 8 इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड शेल. लास्ट शेल तो ख़त्म हो गया क्योंकि उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, वो लूज हो गया, और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन ने पिक किया और कन्वर्ट हो गई क्लोराइड में, विच विल नाउ बिकम द वेलेंस शेल. तो सेकेंड शेल जो है इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद वेलेंस शेल बन गया. बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम ऑल्सो हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड बिकम्स क्लोराइड आयन. के क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को पिक किया, इस तरह वेलेंस शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पिक होने के बाद क्लोरीन कन्वर्टेड इंटू क्लोराइड आयन. बोथ दीज एटम्स आर नाउ अपोजिटली चार्ज ऑयन. सोडियम पे पॉजिटिव और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है. दे स्टेबलाइजेज देमसेल्व्स बाय कंबाइनिंग विद ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड अ लो एनर्जी स्टेट. दोनों एक दूसरे को साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और स्टेबलाइज करते हैं अपने आप को. किस वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज फोर्सेस की वजह से, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के कॉम्बिनेशन से डेवलप होती हैं, और सिस्टम अपनी एनर्जी को लो करता है. जब सोडियम पॉजिटिवली चार्ज आयन इज अट्रैक्टेड बाय द क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज आयन, एज अ रिजल्ट वी ऑब्टेन सोडियम क्लोराइड सॉल्ट. इट इज़ टू बी नोटेड दैट ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द टाइप ऑफ द बॉन्डिंग वाइल अदर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते. इन सच टाइप ऑफ अ रिएक्शन हीट इज़ यूजली गिवन आउट. जब पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस आपस में मिलते हैं तो हीट जो है वो एग्जिट होती है, खारिज होती है. किस सूरत में खारिज होती है एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ द हीट. द कंपाउंड्स फॉर्म ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, यानी वो मुरकबात जो आयनिक बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं.